अभी हमने 50 डिवाइडेड बाई 3 या 50 बाई 3 का कैलकुलेशन करना सीखना है। किसका डिवाइड करना है? 3 का किस में? 50 में। देखिए, 3 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। यदि एक अंक की संख्या, तो एक अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 3 से बड़ा है? यस। 3 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 5 से बढ़ाना है? लगाओ दिमाग। 1 3 3, 2 3 6, 2 बार लिया, 5 से बढ़ा गया, लेकिन एक बार लेते हैं कितना? एक बार कितना आ रहा है? 3। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया? 2। ऊपर से 0 हम यहाँ ले आते हैं, कितना बन गया? 20। 1 3 3 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18, 7 3 21। 7 बार लिया, इससे बढ़ा गया, लेकिन 6 बार लेते हैं, कितना आता है? 18। फिर घटाया, 2 आ गया। यहाँ कोई भी अंक नहीं है। अब हमें आगे डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे। फिर गया 6 बार, फिर कितना आ गया? 18। फिर हमने माइनस किया, पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। फिर गया 6 बार, फिर कितना आ गया? 18। फिर हमने माइनस किया, 2 आ गया, पॉइंट लगा रखा, 0 आ जाएगा। फिर गया 6 बार। और समझे, क्या समझे? कि इस प्रकार से अब आपका आगे चलता रहेगा। यह जो है, यह आपका आंसर है, जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं? अपना भागफल कहते हैं। समझ गए?